हेलो एवरीवन, आई एम आशीष नोटियाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबकी प्रैक्टिस चल रही है हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कहरवा ताल के अंदर, जब भी आप कहरवा ताल कहीं पर बजा रहे हो तो उसके मतलब साथ लग्गी कैसे आप लगा सकते हैं। अक्सर होता क्या, जब भी आप कोई लग्गी लगाने की कोशिश करते हैं, लड़ी या रेला कुछ भी बजाते हैं, या कई बार अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा तिहाई है उसको जब भी आप लगाते हैं तो अक्सर आप या तो लय से बाहर हो जाएंगे या वो ठेके पर फिट नहीं बैठेगी, ठीक है, जिससे कि गाने वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, आपने किन चीज़ों को ध्यान रखना है जब भी आप लगी या लड़ी रेला कुछ भी अगर आप लगाते हैं तो बीच में क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बाहर ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहरवा किसी भी स्पीड में चल रहा हो, ठीक है, डिपेंड करता है गाना किस लय में है। जिस लय में गाना होगा उसी लय में आप बजा रहे होंगे ठेका, तो आपको फिर जब लग्गी बजानी है तो अपनी तैयारी के हिसाब से फिर आपको बजानी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा स्पीड फास्ट है तो लग्गी भी फास्ट स्पीड में ही बजेगी। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल और एक मीडियम टेम्पो ले रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर जैसे कि स्लो टाइप गज़ल या भजनों में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि यह है, ठीक है। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो मैं जो टेम्पो ले रहा हूँ वो मीडियम स्पीड है। आप क्लिक मेट्रोनोम के साथ, मैंने आपको कई बार बताया है, मेट्रोनोम के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे लय की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। या फिर जब आप गाना, कोई भी गाना अगर चल रहा है या भजन चल रहा है आप सुन रहे हैं उसके साथ आप प्ले कर रहे हैं तो उसमें अक्सर क्लिक चलती रहती है। कोई भी गाना है आप गुनगुनाएंगे तो उसके साथ ताली बराबर मात्राओं में चलती रहती है काउंटिंग, क्योंकि एक स्पीड बनी होती है गाने की, वो स्पीड मेंटेन रहती है हर गाने में, ठीक है। ऐसा नहीं कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता, एक स्पीड बनी रहती है। तो आप उसके साथ ताली बजाने की कोशिश करें, केवल 1 2 3 4, ये काउंटिंग अक्सर चलती रहती है। तो आपने इसी ताली के साथ पहले बोलों को मुंह से बोलना है, धेट धाता पेट धाता, धेट धाता पेट धाता, धतिट धनाते तीन ततिट धनाते दिन, धतिट धनाते तीन ततिट धनाते दिन, तिट धान धान धा तिर किट धान धान धा तिर किट धान धान धिट धाता तिट धाता। इस तरीके से आप लग्गी का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा अगर स्पीड तेज है, धिट धाता तिट धाता, धिट धाता तिट धाता, धतिट धनाते दिन धतिट धनाते दिन, धतिट धनाते दिन धतिट धना धनाते दिन धतिट धनाते दिन, धतिट धनाते दिन धतिट धनाते दिन, तिट धान धान धा तिरकिट धान धान धा तिरकिट धान धान, धिट धाता तिट धा तिट धाता तिट धाता। ये बहुत ही मुश्किल है और क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो थोड़ा आपको ये समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेसन है। अगर आप लग्गी लगाना चाहते हैं, लग्गी है या कोई भी बोल है, बीच में अगर आप रेला भी बजा रहे हैं, या जैसे ये तिहाई में बोल रहा हूँ तो ये तिगुन में तिहाई है, ठीक है, तिगुन में तिहाई है, थोड़ा सा रुक रुक के आती है, ऐसा लगता है कि अभी मतलब आउट हो जाएगा। तो ये काफ़ी तैयारी की, अगर आपको लय की अच्छी समझ है तो आप इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। ठेका आपको पता है, सिंपल ठेका चल रहा है, कई बार बताया हुआ है पहले भी, है ना, आपको ये पता ही होगा। केवल इसमें मैं बता रहा हूँ लग्गी लगाने का तरीका क्या है, ठीक है। क्लिक चल रही है, 1 2 3 4, हिट धाता टिट धाता, हिट धाता टिट धाता, टिट धनाते तीन टिट धनाते तीन टिट धनाते तीन टिट धनाते तीन। इस तरीके से थोड़ा सा मैं बढ़ा के अगर इसको बजाऊं तो किस तरीके से आएगा, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। तो समझ गए, एक बार दोबारा से देख लें, फिर जो लग्गी है उसके भी मैं बोल बता दूंगा और ठेके के बोल भी बता दूंगा एक बार, लग्गी और जो लास्ट में तिहाई लग रही है उसको भी।
इस चीज को आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हैं, वहां पर मैं बोल लिख दूंगा, अच्छे से आपने देखना है और उसके बाद उसको नोट कर लें डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। और बोलों की प्रैक्टिस क्लैप के साथ करें सबसे पहले, धिट धाता तेट धाते, धिट धाता तेट धाता, धिट धाता तेट धातेट धनाते तेन तातेट धनाते तेन धातेट धनाते तेन तातेट धनाते तेन धातेट धनाते तेन तातेट धनाते तेन, धान धान धा तेरे किट धान धान धा तेरे किट धान धान धा तेट धाता धिट धाता तेट धा धातेट धनाते तेन तातेट धनाते तेन धातेट ध, लय वही चल रही है, जो क्लिक है ये लय है, गाने में भी सेम टू सेम यही लय चलती रहती है, आपको केवल इसी को ही समझना है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपके लिए बजाना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी रेला है, तिहाई है, अब जैसे कि क्लैप चल रही, वन टू थ्री फोर, कह रहा धिट धाता तेट धाता, धिट धाता तेट धा, धाता तेट धाता तेट ता तेरे किट तक तेरे किट, धातु धाना नातु धाना, धातु धाना नातु धा, धा त्रिकट धा त्रिकट तक धिन तक घिन, धा त्रिकट धा त्रिकट धा त्रिकट तक त्रिकट धिट धाता, कुछ भी मतलब लय में होना चाहिए, लय से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी बजा सकते हैं, लगी पहले ठीक है कि बोल देख लेते हैं, सिंपल ठीक है, एक एक या दो बार बताऊं, ठीक है, धी त धा ता धी त धा ता धी त धा ता धी त धा ता, बहुत बार बताया, ठीक है, लगी के बोल देख लेते हैं, धा ती त धना ती तीन, धा ती त धना धातीट धनाती तीन, बोले धाती धना ती, बीच वाली उंगली से लग रहा है और ना जो है साइड से लग रहा है, धातीट धनाती तीन, तातीट धनाती तीन, नाती के साथ फिर गा लग रहा है दूसरी बार में, नाती ती ना, स्लो में देखें बिल्कुल, धाती धाती त धा ना ती ती न ता ती, ठीक है, ता ती ऐसे आएगा, ता ती त, इसी वाले टा के साथ ही गा लग रहा है, ता ती त धा ता ती त धा ना ती, ठीक है। अगर आप टा के साथ छोड़ भी देंगे तो इसके साथ लगाना है जब ती आएगा, कैसे, खाली वाला पार्ट देखें, ता ती त धा ना ती, इस ती के साथ नाती धिन, तो ना ती फिर धी, इसके साथ तू जो खुला हुआ बजेगा और यहां से गे धी और ना जो है यहां से हम बजा रहे हैं ना, ठीक है, दोबारा से धा ती त, ठीक है, धा ती त दोबारा से देखें, ठीक है, क्योंकि बोल एक एक थोड़ा सा समझाना बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल स्लो में, बिल्कुल आराम से देखें आप, एक एक बोल, धा ती त धा ना ती, ठीक है, बीच वाली उंगली से आ रहा ती ती न, उसके बाद ता ती, अच्छा सीधी उंगली से लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए ता तिट जो शुरू वाला तिट है उल्टा आएगा ऐसे, ता ती, इस वाली उंगली से पहले इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, ता ती त, इस तरीके से धा ना ती, इसके साथ गा लगेगा ती, फिर आएगा धी ना, ठीक है, ती के साथ गा आया, फिर ये खुला हुआ तीन आया, ठीक है, धी और लास्ट में ना आया, थोड़ा सा मीडियम स्पीड में, ठीक है, धा ती त धा ना ती तीन, ता ती त धा ना ती तीन धा, ठीक है, इस तरीके धा ती त धा ना ती ती ना, ता ती त धा, ठीक है, ता ते ट धा आएगा, ता ती त धा ना ती, इस ती के साथ गाया ती और फिर ती ना, ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा मीडियम स्पीड में बजा के दिखा देता हूँ, ताते 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 ताते
पहले देखें, ठीक है, टिट धान धान धा तेर किट धान धान धा तेर किट धान धान धा। स्लो में देखें कैसे बज रहा है, टिट उल्टा टिट धान ना जो है यहां से बज रहा है, टिट धान धान धा तेर किट धान धान धा तेर किट धान धान धा। ठीक है, कैसे ती धान धान धा तीर किट धान धान धा तीर किट धान धान धा। ठीक है, इस तरीके से स्लो में देखेंगे, बोल ती ऐसे बजाया, फिर धा यहां से धा ऐसे, फिर ना जो है यहां से ना है ना छोटा, धान धान ना नहीं है धान, तो यहां से बजेगा स्पीड में भी तभी आएगा। ठीक है, ते धान धान धा, फिर उसके बाद तीर किट धान धान धा तीर किट धान धान धा। समझ गए कैसे बजेगा, किट धान धान धा तीर किट धान धान धा तीर किट धान धान धा। इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपने नंबर देख लिया था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अगर आप ऑनलाइन ढोलक तबला सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो भी फीस है वो आप या तो मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप निःशुल्क और फ्री में सीखना चाहते हैं तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ढोलक और तबले के लेसन का एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पर ही, आपको वहां पर मिल जाएगी। आप चैनल पर जाएंगे, ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर स्टेप बाय स्टेप ढोलक और तबला दोनों आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से बिल्कुल जीरो से लेसन मैंने डाले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। एक लेसन को लगभग एक हफ्ता कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, एक बोल को पहले एक हफ्ता प्रैक्टिस करना चाहिए। एक लेसन देखें उसकी अच्छे से एक हफ्ता प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बेसिक बोल ही ज़्यादा मेन होते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपने बेसिक पर अच्छा काम कर लिया तो आगे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन बेसिक बोलों से ही सारे बोल बनाए गए हैं। अगर आपने बेसिक बोलों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, टिट त्रिकिट है ना, ये सारे बोल आपके अगर क्लियर हो जाते हैं, अच्छे साफ हो जाते हैं, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बजाने में, किसी भी तरीके का कोई ठेका हो या कुछ हो। फिर बात आती है सिंगल डबल या काउंटिंग करना या फिर अगुन दुगुन तिगुन चौगुन करना, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको फिर और भी वीडियोज मिल जाएंगे, या मैं अभी कुछ टाइम बाद उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से ताली खाली के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी बजाएं वो बिल्कुल एक्यूरेट एकदम से सिंगल से डबल हो जाए, इगुन से दुगुन फिर तिगुन या चौगुन। बजाने में ज़्यादातर इगुन दुगुन और उसके बाद चौगुन का यूज होता है, बहुत कम तिगुन का यूज़ कर मतलब करने को दिखता है। ज़्यादातर अगर आप लाइव में कहीं प्रोग्राम में कहीं कुछ कर रहे हैं तो सिंगल से डबल, यानी कि ठा जो हमारी लय होती है, ठा मतलब इगुन हो गया, उसके सीधे डबल होती है, और फिर अगर दुगुन में चल रहा है तो चौगुन ज़्यादातर बजाए जाते हैं। अगर कोई अच्छे मतलब कलाकार हैं, अच्छे उस्ताद हैं, तो उसके तिगुन भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाने बजाने के साथ चौगुन का यूज ज़्यादातर किया जाता है। तो इसके लिए आपको पूरी डिटेल्स में पूरी वीडियोस मिल जाएंगी और आगे भी मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस आप करते रहें, कोई कन्फ्यूजन होती तो मैसेज करें, ठीक है, और कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और जुड़े रहें। जो आप नए हैं अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।